सो सुपर मेडी. और हम रास्ते में रोक नहीं पा रहे थे गाड़ी, तो अब फाइनली एक स्पॉट मिला है. बट यू हैव टू सी हाउ विंडी इट इज. हम इसलिए रोके क्योंकि हम आपको ये लैंडस्केप दिखाना चाह रहे थे. सो यू हैव टू सी दिस लैंडस्केप. कम हियर. सी दिस थिंग. पूरा ऐसा रेड सॉइल है. और ना एक पॉइंट था वहाँ पे एक्चुअली शीप्स थी. सौरभ बोला बेगा मुझे लायन दिखा लायन. आई एम लाइक सौरभ वो शीप है, लायन नहीं है. शीप यहाँ भी खड़ी है दो तीन, तो वैसे छुप के. मे बी उनको भी बहुत विंडी लग रहा है इसलिए सब बिल्कुल कोने पे खड़ी है. ये देखो सारी घुस के. आगे फार्म हाउस है. हाँ कुछ तो फार्म है. बट इट्स सुपर विंडी टुडे. सुपर विंडी. ओके हमने पास वो डर रही है. मत जा. आई एम गोइंग बैक. लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम. दे आर वेरी स्कैर्ड. ओके या ओके. बट ये है रग लैंडस्केप ऑफ अफ्रीका. एक पूरा अफ्रीका वाला फीलिंग दे रहा है. और मैंने सिर्फ सुना था कि साउथ अफ्रीका में बहुत विंड होती है. बट अभी आप देख सकते हैं हमको लाइक लिटरली ऐसे फोर्स करके अपने आप को चलाना पड़ रहा है. कार भी ऐसे ऐसे थोड़ा शेक हो रही है. But it's nice. पूरे farmlands हैं ये. तो हम आ गए हैं हाइडलबर्ग. एक हाइडलबर्ग है जर्मनी में और ये हाइडलबर्ग है साउथ अफ्रीका में. ऐसे बहुत सारी आपको जगह मिलेंगी जो कि यूरोपियन सिटीज़ हैं और वो नाम यहाँ भी मिल जाएंगे नेदरलैंड्स के भी. जस्ट बिकॉज क्योंकि कॉलोनीज थी यहाँ पे, तो वो लोग पता नहीं क्या कर रहे थे या नाम बदल रहे थे सिटीज़ का यहाँ पर, और हाइडलबर्ग नाम रख दिया. बट जो मुझे आपको इस हाइडलबर्ग में दिखाना है वो है दिस अमेजिंग ट्री. यू हैव टू लुक एट इट. पर्पल कलर का है. लाइक मैंने चेरी ब्लॉसम में पिंक कलर का देखा है बट पर्पल कलर का कभी नहीं देखा है. मतलब दूर से ये ट्री चमक रहा था. आई वॉज लाइक सौरभ यहाँ तो जाना ही है और इस पेड़ को देखना ही है. एक है और दूसरा थोड़ा और आगे है, तो सिर्फ दो ऐसे पेड़ है. और टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 30 degrees. तो सन फुल आ रहा है. गर्मी बहुत है. बट लुक एट दिस ट्री. एक ने कार खड़ी खड़ी है उसके शैडो में. अमेजिंग. आगे आगे और आगे और ये दो पेड़ एक साथ हैं पर्पल कलर के. बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वीडियो में वो इतने अच्छे लग रहे कि नहीं, बट मेरे को आई से बहुत अच्छे लग रहे हैं. अभी प्लान तो ये था कि हाइडलबर्ग आएंगे और थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर थोड़ा मॉसेल बे पे जाएंगे. बट प्लान कर रहे हैं कि अब डायरेक्टली मॉसेल बे पे चलते हैं. वी डिडंट फाइंड एनी प्लेस जहाँ पे ब्रेक लिया जाए. सैंडविचेस हैं हमारे पास बट शैडो तो चाहिए ना खाने के लिए. तो चलते हैं डायरेक्ट मॉसेल बे. ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं बचा. आई थिंक 1 hour का और बचा होगा. 1 1.5 hour का. So let's go directly to Mossel Bay. Let's go. पहुंच गए हैं Mossel Bay. और पहुंचने के लिए जो रास्ता था ना वो आपको देखना चाहिए. एक तो ये ऐसा ये हमारी गाड़ी का टायर का नहीं निशान है बट पहले कोई गाड़ी का होगा. यू हैव टू सी द स्टीपनेस. वी हमको आया था मैसेज ओनर से कि इट विल बी स्टीप बट वी डेंट इमेजिन इट्स दैट मच ऑफ स्टीप. अराउंड 60 degrees के एंगल पे है ये ऑलमोस्ट. राइट करेक्ट. काफ़ी स्टीप था. बहुत मुश्किल था. और हम यहाँ से इसमें टर्न करना वॉज ऑल द मोर डिफिकल्ट. हम पूरा और ऊपर ऊपर लेके गए और फिर वापस आए. And then we parked our car. फिर उसके जैसे ही यहाँ पे आई मैंने कहा सौरभ सीधे यहीं घुसा दे. तो हमने यहीं पे हमारा कार घुसा दिया. सो Mossel Bay एक बहुत बड़ा कोस्टल टाउन है. यहाँ पे यहाँ से आप दूसरी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं और अब वो क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे. बट उससे पहले सोचा कि आपको हमारा अपार्टमेंट दिखा दें विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक. हम ऐसे अपार्टमेंट में नहीं रुके. तो यहाँ पे दो हैं. इधर कोस्टल केव है और यहाँ एडन सेंचुरी. ये दो हैं और हमारा ऊपर वाला है. सो द इंडियन ओशियन व्यू. और इंडियन ओशियन व्यू के बाद आती है ये प्यारी सी बालकनी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपार्टमेंट इज दिस हैमॉक. और इसमें आराम से बैठ सकते हैं
और बातें कर सकते हैं और कुछ नो तो बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और चाय पी सकते हैं. मैं तो चाय पीती नहीं हूँ और मैंने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया या कम कर दिया है. सो दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट पार्ट. और क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स यहाँ बैठ के इधर मैंने अभी इधर फेस किया, पूरा उधर फेस करके ये व्यू इन्जॉय कर सकते हैं. एंड देन लेट मी शो यू दिस कोजी सा अपार्टमेंट. देर इज़ दिस बेड, किचन नहीं है यहाँ पर, तो माइक्रोवेव ज़रूर है बट किचन नहीं है. दिस टेबल, चेयर एंड आई हैव टू शो यू दिस. तो बाथटब, बाथरूम और उस तरफ टॉयलेट है. सो इट्स अ स्मॉल कोजी अपार्टमेंट बट जो बेस्ट पार्ट है और यहाँ कबर्ड्स हैं. सो या the best part is you can sit here, you can sit on the hammock, you can sit on the sitting area balcony and enjoy the view. In fact you can rest on the bed and then also you can enjoy the view. Itta privacy hai because there is nothing aage. To hill pe hone ka fayda hai but car upar lana was very difficult. So Megha, shall we go somewhere with car? No, what I suggest is basically अभी वॉकर की ही चलते हैं और अभी लंच तो हमारे पास सैंडविच अभी तक खाया नहीं है, अभी वो खाएंगे. डिनर के लिए वॉक करके जाएंगे और वहाँ खाएंगे और थोड़ा आसपास का मॉसेल बे को भी देख लेंगे. यहाँ पे एक ना पोस्ट ऑफिस है जो ट्री पोस्ट ऑफिस करके है, सुना है कि वो अच्छा है, फेमस है, तो वो देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो. बाकी और दो तीन चीज़ें हैं जो आप मॉसेल बे के अंदर देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो आपको बताएंगे. बाकी मॉसेल बे हमारा बेस है, यहाँ से गार्डन रूट शुरू होता है तो वो हम करेंगे. बट या इट्स अ ब्यूटिफुल अपार्टमेंट. तो हमारा लंच सैंडविच और साथ में है Can you see? भुजिया, आलू भुजिया एंड मूंगफली. यहाँ पर गैस स्टोव नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला था वीडियो में. सो मैं चाय नहीं बना पाया हूँ, सो आई एम हैविंग कॉफी. माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में दूध गर्म किया, कॉफी डाला. एंड रेडी. मैंने सैंडविच तो बताया था आपको, हमस और कुकुम्बर और सब खरीदा ही था. नहीं देखा तो पहले वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा कि सब ठीक कैसे है. आप अगर घूम रहे हैं तो हाउ कैन यू मैनेज while traveling, eating. इसके बाद हम लोग वीक एंजॉय करेंगे एंड विल प्लान के हमें डिनर का डर रहा है. लंच डिनर ना घूमेंगे भी पर अभी थोड़ा भूख रख लो. वन सैंडविच बहुत इम्पोर्टेंट. अभी तो ये जो 60 डिग्री का है रोड इसको उतरने में तो बहुत मजा आ रही है. जब चढ़ने के लिए आएंगे ना बाद में रात में तब आएगी नानी याद. बट नाउ इट्स फन एंड इधर का व्यू इतना अच्छा आ रहा है ना, विथ ऑल दिस कलरफुल रूफ्स एंड द ब्लू ओशन. पहन रखा था मैंने वो ओवरकोट पर चल चलते गर्मी आ गया और हम पहुंच गए सेंट पीटर्स चर्च. ऑफकोर्स बंद है. इनफैक्ट मेन स्ट्रीट में मैक्सिमम शॉप्स आज बंद है. या तो ये यूरोप टाइप है कि विदिन बिल्कुल 5 o'clock पे सब कुछ बंद कर देते हैं. Like यूरोप में 6 o'clock पे करते हैं, अभी तो 5 ही बचा है. Nevertheless, this was St. Peter's Church. Like India was colonized, similarly South Africa was also colonized first by Netherlands और फिर उसके बाद by Britishers, अंग्रेज़ों से. और जैसे इंडिया में भी देखा होगा आपने, उन्होंने कैसे रेलवे सिस्टम का नेटवर्क सेट किया था Britishers ने. सिमिलरली साउथ अफ्रीका में दिखेगा. हम मॉसेल बे में हैं. मॉसेल बे की भी एक स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ, ध्यान रखिएगा कि एक स्टोरी बतानी है. बट मॉसेल बे में भी एक पोर्ट टाउन है और कोस्टल टाउन, पोर्ट टाउन. तो ये आपको दिख रहा है, ये पोर्ट है, ये कमर्शियल पोर्ट है और ये देखिए ट्रेन की पटरी जा रही है. तो पूरा का पूरा सामान लेके आइए, वेल्थ लेकर आइए और फिर इस पोर्ट से भेज दीजिए जहाँ से भी आप आए हैं, नेदरलैंड से या ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से. और ये मॉसेल बे का ट्रेन स्टेशन है. आई डोंट नो अभी भी ऑपरेटिव है क्या, हो भी सकता है क्योंकि अभी तक पटरियाँ तो ठीक ही दिख रही हैं. बट यही स्ट्रक्चर ऐसा इंडिया में भी काफ़ी दिखता है ना. सिमिलरली
तो मॉसेल बे की बात कर रहे थे, तो जर्मनी में अगर आपने हमारे वीडियोस देखे जब हम लास्ट जर्मन ट्रिप गए थे तो मॉसेल वैली गए थे जहाँ पे मॉसेल रिवर थी, एंड आई एम नॉट 100% श्योर बट आई थिंक कि वो मॉसेल वैली का ही मॉसेल बे है, क्योंकि हाइडलबर्ग दिखाया था, वो भी जर्मनी में एक ब्यूटीफुल सा टाउन है, वैसे यहाँ हाइडलबर्ग है। आपको यहाँ पे नेदरलैंड्स के भी नाम वाले इतने सारे टाउन दिख जाएंगे, डेल्फ दिख रहा था, फुटबर्ग दिख रहा था, हर जगह नेदरलैंड्स का इन्फ्लुएंस भी दिखेगा, इनकी लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस दिखेगा, स्ट्रीट के नेम्स पे इन्फ्लुएंस दिखेगा, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ऑफकोर्स अब जो नेदरलैंड्स वाले लोग यहाँ रह गए हैं, अभी तो बहुत साल भी हो गए हैं ये सब कुछ लोगों को गए हुए, बट जो लोग यहाँ रह गए हैं वो काफ़ी मिक्स भी हो गए हैं, सो दैट इज़ ऑल वेरी इन पास्ट। नाउ दे कॉल देमसेल्व्स एज अफ्रीकांस, जैसे हम लोग रुके थे बहुत सारे वाइट पीपल के घर, और वो लोग अपने आप को अफ्रीकांस ही बोल रहे हैं, सो या, बट दिस इज़ द हिस्ट्री, दिस इज़ द पास्ट, the colonization and taking the wealth through trades. तो हम सोच रहे थे यहाँ ये म्यूजियम है, इधर ये मैरीटाइम म्यूजियम है, और सब ये इधर तो कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, हम सोचा इधर यहाँ से बीच दिख रहा है, चलो बीच चलते हैं। तो ये जो दो लेडीज जा रही, उन्होंने कहा इधर से नहीं जा सकते, हमने बंद कर दिया है, आपको जाना है तो जहाँ से भी हम पोर्ट जा रहे थे ना, वो पोर्ट से ही वहाँ जा सकते हैं। और जो मॉसेल बे है ना, ये ऐसे पूरे हिल्स पे बना है, आपको पता चल ही गया होगा, इतनी बार दिखा चुके हैं हम लोग। तो वहाँ से तो उन लोगों ने बोला बंद है, तो हमने सोचा तो भी चलते हैं स्ट्रांड, तो जो डच वे में बोलते हैं, या फिर बीच, और पूरा पोर्ट से गोल घूम के फिर हम यहाँ वॉक करते हुए आ गए। अभी तो ढलान नीचे जा रही है, सो वी आर स्टिल ओके, जब ऊपर जाएगी ना तब मज़ा आएगा। We are walking. Funny हो गया actually में यहाँ पे, यहाँ तो पूरा ऐसे लॉक है, ऐसे बीच को कौन लॉक करता है, ऐसे तार लगा रखा है, तो आप जा ही नहीं सकते उस तरफ पोर्ट से। And I was like इससे 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 जाके फिर ऊपर चले जाएंगे। The other way is basically we take out our shoes, go from there. You want to try that? Let's try. The other way. Let's do it. You want to do it? I don't want to go up. So we have two options. या तो हम लंबा वॉक करें, जाएं। वो ये भी लंबा ही वॉक है। यार थोड़ी रिस्क ले। बीच को कैसे डिवाइड कर रखा है? थोड़ा रिस्क ले शूज का और घुस जाए। Let's take some risk. तो मैं तो रिस्क लूँगी। बहुत लंबा वॉक है वरना। Let's be adventurous. Let's be some risk taker. Let's go. Let's do it. I found another way as well. देख उसके अंदर से घुस जाएंगे। अच्छा है कि पानी ऊपर तक नहीं आ रहा है। हाँ, और प्लस तो ये सैंड हार्ड है, तो इट्स स्टिल फाइन। सैंड भी हार्ड है, तो यू सी माय हियर माय फुटप्रिंट्स, ये सोने का पत्थर, उस पे चेन लगी है इसलिए। हाँ, इस पे चेन लगी है, सोने का पत्थर नहीं है, ये एंकर होगा। ऑफ कोर्स, यस। सो देयर इज अनदर वे एज वेल। नो, आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ वे, इजी वे, दैट्स अ गुड वे, आई विल तो गो विद दिस। लग जाएगी मेरा? नहीं लगेगी, आई हैव टू बी जस्ट केयरफुल, आई थिंक दिस इज बेटर वे। मैं सोच रही थी इसके अंदर से घुस जाऊं, थोड़ा सा ज्यादा वो था, मेगा बीइंग एडवेंचरस ऑल अबाउट, नहीं मेगा, यू कांट डू दैट, उसमें से एक भी तार लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, और दूसरा वे है वो सामने से निकलने का, तो उसके लिए ना यू वांट टू गो फर्स्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट कि कब वे आ रही है पहले ऑब्जर्व करने का है, एंड वंस दिस विल गो थोड़ा सा पीछे तब हम लोग घुस जाएंगे पानी से। यस मेगा, गो क्लोज मेगा। देखे, 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 yes. I did it. I did it. दो पल की है। वीर ज़ारा बन गया ये तो। वीर ज़ारा। मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। Okay. आ जाओ। Okay, now it's my turn. Be careful. Be observant. Come. एक और आता है ना अभी। इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या था ये? क्यों था ये? क्यों था? Exactly क्या है ये?
ये चला आ रहा है क्या अंग्रेजों के जमाने का पार्टीशन यहाँ भी, या तो कुछ अभी तो कुछ रीजन से बनाया होगा, वैसे यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। So now, हम बीच पे वॉक कर रहे हैं और हमें हमारे शूज उतारने नहीं पड़े और गीले भी नहीं हुए शूज, और एक्चुअली में हम फर्स्ट टाइम बीच पे वॉक कर रहे हैं अफ्रीका में, राइट? हाँ। तो हमने क्रॉसिंग क्रॉस कर लिए, होपफुली बॉर्डर क्रॉस नहीं हो गया पानी, बट हम अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम ना बीच पे वॉक कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम ऑन द बीच। वैसे दिन भी दो ही हुए, तीन दिन हुए एक्चुअली, थर्ड डे आज। वो रहा बीच, बीच से वॉक कर करके हम लोग ऊपर आ गए एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि सनसेट तो होने ही वाला है, तो भूख कभी लग नहीं रहा है, आपको पता ही है सैंडविच खाया है, बट एक रेस्टोरेंट है तो सोच रहे देखते हैं वहाँ मेन्यू में अगर पैक करा सकते हैं तो पैक कराएंगे, नहीं तो हम लोग मैगी लाए हैं विच वी डोंट ईट, वी एक्चुअली अवॉइड ईटिंग मैगीज, और आपको पता है यहाँ गैस नहीं है, तो हम गूगल करेंगे कि मैगी को क्या माइक्रोवेव में बना सकते हैं, अगर हाँ तो हम मैगी को माइक्रोवेव में बनाएंगे और आज मैगी खाएंगे सालों बाद। बट लेट्स गो, अभी फुल वॉक करना है, पूरी पहाड़ियाँ वापस चढ़नी है, ऑल सेट। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं वापस घर के पास में। भूख लग तो नहीं रही है मगर कुछ तो खाना पड़ेगा, 7 o'clock हुए हैं और देखेंगे या तो कुछ पैक कराएंगे नहीं तो फिर यहीं कुछ खा लेंगे, ज़्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहे वैसे यहाँ पर वेजिटेरियन के लिए। तो हम लोग आए हैं इस हमारे घर के पास में, ये कार्लोस एना करके है, तो मेघा अंदर गई है पूछने के लिए कि टेबल है क्या दो लोगों की, या फिर क्योंकि हमने बुकिंग नहीं की है हो सकता है कि टेबल मिला ही नहीं। ये देखिए पीछे का व्यू, मेरा सिंगल डे की टेबल मिल गई है, सो वी हैव अ टेबल फॉर टू फॉर डिनर, लेट्स गो इनसाइड। सो वी केम टू दिस रेस्टोरेंट और नाम सौरभ ने बता दिया है, वैसे इसमें कहीं लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, और इसमें ऑप्शंस हैं कुछ कुछ वेजिटेरियन के लिए, बट इतने सारे भी कुछ ऑप्शंस नहीं, थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं। तो हमारा स्टार्टर आ गया है, इसकी बात करते हैं, ये है मोरक्कन टोमेटो सूप और यम दिख रहा है ना, सन ड्राइड टोमेटो, मेरा ही मन कर रहा है पीने का। और ये है यहाँ का पीटा ब्रेड और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हमस, लुकिंग सो अमेजिंग, आई वॉन्ट टू ईट इट नाउ, लेट्स ईट। और ये देखिए इस रेस्टोरेंट की 1900 की फोटो, 120 तभी रेस्टोरेंट ही था, तभी रेस्टोरेंट ही था। हाउ इज इट मेगा गुड, स्मोकी फ्लेवर है, या तो ये स्मोक में बना है या ये हमें स्मोक में बना है। गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय सूप। So this is basically pocket of pasta which is ravioli type, और इस पर ये crispy lentils, जो कि अपना वो नहीं होता मसूर का, मसूर की एक नमकीन आती है मसूर की दाल की वो टाइप, एंड योगर्ट है, तो योगर्ट है इसलिए सौरभ खा नहीं रहा है, बट देख कितना यमी रहा है, awesome, I'm going to eat it, bon appetit to me। बहुत ही अच्छा है, अब सौरभ योगर्ट नहीं खाता है बट दिस इज गुड। दही में पास्ता डिफरेंट था, अब टर्किश है ये, मैंने गूगल किया तो टर्किश एक्चुअली सब मेडिटेरियन डिशेज ही हैं, बट इसमें क्या था ना बहुत बटर था, तो ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया जिसमें इतना बटर घूम रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा था। दही में वो अपन रायते में नहीं तड़का लगा देते बटर का, एंड देन इट्स अमेजिंग, बिल्कुल वैसे ही। और सौरभ ने पूरा पास्ता खा लिया, ओ सॉरी पास्ता बोल रही हूँ, सूप पी लिया और ये दोनों छोड़ दिए। ये भी मुझे योगर्ट की फील आ रही है, हाँ ये योगर्ट था तो ये खाने तक, और ये पता नहीं क्यों नहीं, थोड़ा स्मोक्ड था, अच्छा था, थोड़ा खाया मगर टमाटर वाला पूरा खा लिया। सूप इज डन, डिनर वाज गुड, आई एम डन, अभी बस लास्ट डिस्कशन चल रहा है कि शैल वी ऑर्डर डार्क चॉकलेट केक या नहीं। आई तो विल नॉट ईट, इफ यू वांट टू ईट यू कैन ऑर्डर, आई एम तो लाइक टू बिग फॉर मी, हियरफुल
देखते हैं, तो फिर बिल पे करते हैं, निकलते हैं। लंबी वॉक करनी है अभी, लॉन्ग लॉन्ग वॉक। लाइक ईट योर फाइव स्टार्स ना जो तुम ओह यस, नाउ आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, आई वांट टू ईट माय डेयरी मिल्क। यस, ऑल गुड, बाय बाय केक। बहुत वॉक था, स्टीप। आई थिंक ना 60 भी नहीं था, 70 डिग्री था। उतरने के लिए 60 था, चढ़ने के लिए 70। बट करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और कल जाएंगे हम लोग ऑस्ट्रिच के फार्म, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। न्यू डेस्टिनेशन, न्यू थिंग्स टू सी, और इट्स अ फन नाइट स्टे था हमारा यहाँ। नई जगह जाएंगे और ऑस्ट्रिच का फार्म दिखाएंगे, ऐसे 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 ऑस्ट्रिच बोलेंगे। सो वी आर एक्साइटेड, ऑस्ट्रिच का एग देखेंगे। सो वी होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग आवर साउथ अफ्रीका रोड ट्रिप हम लोगों के साथ साथ। हमको तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, और हम लोग उतना ही मजा कैमरे पे भी कैप्चर कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है वैसे, और हम खुद तो मजा ले ही रहे हैं। दोनों चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लाइक जरूर करिएगा, डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी करिएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल है देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक का है शेड्स ऑफ मैक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। बट कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो प्लीज बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक तो बिल्कुल करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्गोरिथम। लाइक और कमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे वीडियोस पहुंचते ही नहीं है, बहुत कम, हमारा वीडियोस का काउंट कम होता जा रहा है, तो आप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइक करें ताकि और लोगों तक पहुंचे हमारे वीडियोस और वो भी ट्रैवल कर सके। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि जल्द आने वाला है। टिल देन बाय।